इसी से ये निकला है टर्म एम्ब्लायोपिया, राइट। एम्ब्लायोपिया इज लेजी आई, एम्ब्लायोपिया इन इजियर टर्म इज लेजी आई। ब्रेन सिलेक्ट्स वन आई दैट सीज बेटर, उसका इमेज रखता है क्योंकि उसका जो है ना बाइनोकुलर सिंगुलर विजन वाला वो खराब हो गया, वो एक नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे बाइनोकुलर सिंगुलर विजन की ग्रेडिंग क्या थे, पहला ग्रेड था कि दो इमेज की परसेप्शन होनी थी, दूसरा ग्रेड था उनकी फ्यूजन होनी, तीसरा ग्रेड था स्टेरॉप्सिस होना था जिसमें 3D यूज की वेट हाइट डेप्थ सब नजर आनी थी। इनमें तो भाई दो इमेजेस बन रहे हैं, ब्रेन सेज आई जस्ट कैन नॉट डू सो मच वर्क, आई जस्ट वॉन्ट टू सी विद वन गुड आई, तो इसमें लेजी आई है। इसकी डेफिनेशन है अभी 2019 और 18 में दे हैव गिवन 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ एम्ब्लायोपिया, इट्स अ यूनिलेटरल एंड वेरी वेरी लेटरल बायलेटरल, मेजोरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ एक आंख का होता है, डिक्रीज इन बेस्ट करेक्टेड विजन फॉर विच। अच्छा अब क्या हुआ है, विजन एक्यूटी में रिफ्रेक्टिव एरर है या जो भी है कुछ भी पाथवे में, हम कोई एरर ऐसी ऑर्गेनिक पाथवे यानी विजुअल पाथवे या रेटिना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन रेटिना और योर सर्किट, फिर भी ब्रेन जो है एक आंख से देख रहा है। इट्स अ यूनिलेटरल और बायलेटरल डिक्रीज इन बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी फॉर विच देयर इज नो आइडेंटिफिकेबल ऑर्गेनिक कॉज। आंख आपकी खराब नहीं है ना आपका सर्किट खराब है, ठीक है, योर रेटिना इज फाइन, योर विजुअल पाथवे इज फाइन, बट स्टिल द पर्सन इज नॉट एबल टू सी फ्रॉम वन ऑफ हिज आइज और बोथ ऑफ हिज आइज, यूजुअली इट्स वन ऑफ हिज आइज। अब ये क्या हुआ, देयर इज समथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग योर सेंसिटिव आई डेवलपमेंट पीरियड, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स या अंडर 9 और 8 जब बच्चा है, सब कुछ ऐसा हुआ है इसकी वजह सिर्फ एक आंख काम कर रही है। अब इसकी कॉजेस हो सकती है कि हो सकता है उसको स्क्विंट डेवलप हो गया एक आंख में, जिस आंख में स्क्विंट है तो ब्रेन को बार बार करेक्ट करना पड़े, वो आई डेविएटेड है, ब्रेन कहते हैं जिस आंख में स्क्विंट है आई शुड स्टॉप सीइंग विद दैट आई, आई वांट टू सी विद द नॉर्मल आई ओनली जो कि नॉट डेविएटेड है। दूसरा है कि ऐसा कुछ हो गया है कि रेटिना पे इमेज नहीं बन सक रहा, ऑल्दो रेटिना इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, जो विजुअल सर्किट इज परफेक्टली फाइन, क्या हो गया टोसिस आ गया, जो कॉर्नियल ओपेसिटी आ गई, कैटरेक्ट आ गया, तो ब्रेन अब वहां पे इमेज बनता ही नहीं है रेटिना का, तो रेटिना कह रहा चलो ये वाला जो एक आंख रेटिना कहते हैं आई एम गोइंग टू रिलैक्स, अदर आई जिसमें कोई ओपेसिटी नहीं है या टोसिस नहीं है जो कंजेक्टिव कैटरेक्ट नहीं है, तो वो उस आई से देखे जा रहा है, ठीक है। ये सारे हर्डल्स आ गए, या तो एक आंख में स्क्विंट आ गया तो ब्रेन सेड आई जस्ट डोंट वांट टू सी विद द स्क्विंट आई क्योंकि मुझे मसल्स मूव करने पड़ते हैं और उसको इमेज को ठीक करना पड़ता है, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी, आई डोंट वांट टू डू वर्क, दिस इज लिटरली व्हेन ब्रेन सेज आई डोंट वांट टू डू वर्क। एक तो स्क्विंट आ गया, दूसरे में क्या हो गया, उस आई में इमेज बनी नहीं रेटिना पे, रेटिना इज परफेक्टली फाइन, इमेज इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड क्योंकि आगे टोसिस है, कॉर्नियल ओपेसिटी है और कंजेनिटल कैटरेक्ट है, ठीक हो गया। ये आपका हो गया स्क्विंट, हेयर इज कैटरेक्ट, टोसिस है यहां पे, उसके बाद देर आर अदर कॉजेस ऑफ, अगर रिफ्रेक्टिव एरर जो है एन आइसोमेट्रोपिक, एन आइसोमेट्रोपिक होता है एक आंख में ज्यादा नंबर होना एक आंख में डिफरेंट नंबर होना, तो जिसमें हायर इफेक्टिव पावर होगी ब्रेन कहता है मैं नहीं देखता इससे, मैं लेसर वाले से देखता हूँ। इवन कि एज लिटिल एज एक डायोप्टर का भी फर्क होगा ना, जिसमें कम एरर होगी ना ब्रेन कहेगा मैं उससे देख लेता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़े, आई डोंट वॉन्ट टू डू वर्क। एस्टिगमेटिज्म में, एस्टिगमेटिज्म कब होती है, जब आपकी जो रिफ्रेक्टिव सर्विसेज होती हैं वो स्मूथ नहीं होती, तो एक इमेज यहाँ से बन रहा होता है एक इमेज यहाँ से बन रहा होता है, तो अगर एस्टिगमेटिज्म को भी करेक्ट नहीं करेंगे तो ब्रेन कैसा मैं नहीं देख रहा, सॉरी मैं BSV नहीं कर रहा, बायनॉक्युलर एस्टिगमेटिज्म नहीं कर रहा। उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, कि विजुअल एक्यूटी इज रिड्यूस टू टू और मोर देन टू लाइन्स ऑन स्टेरिन चार्ट, ठीक है, तो जब आप इसको जो करेक्ट करोगे टोसिस को तो टू का इम्प्रूवमेंट आ जाएगा स्नेलन चार्ट पे, टू लाइंस का इम्प्रूवमेंट, मैं बताती हूँ टू लाइंस का इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा। ये हो गया आपका स्नेलन चार्ट,
सपोज किसी बच्चे को एंड द चाइल्ड इज 3 ईयर ओल्ड, उसका स्क्वेंट है राइट आई में, जैसे ही हम अगर उसका पहले था 6x36 और हम उसकी स्क्वेंट की सर्जरी करते हैं या स्क्वेंट को करेक्ट कर देते हैं और उसकी 2 लाइन इंप्रूवमेंट होती है, 6x36 से वो 6x18 आ जाता है, इसका मतलब द चाइल्ड वाज हैविंग एम्प्लायोपिया ड्यू टू स्क्वेंट। या कैटरेक्ट है उसकी 6x60 है और 2 लाइन का इंप्रूवमेंट 6x24 हो जाता है, जैसे ही हम उसको करेक्ट करते हैं तो यू शुड रियलाइज द चाइल्ड इज एम्ब्लायोपिक, या रिफ्रेक्टिव एरर्स को करेक्ट करोगे तो। अच्छा दूसरा है, पिन होल टेस्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि पिन होल में इम्प्रूवमेंट तब आती है जब रिफ्रेक्टिव एरर हो, एम्ब्लायोपिया में देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट विद पिन होल इंक्लूडेड। जी ठीक है, इम्प्रूवमेंट आती है पिन होल से, दिस कम्स इन एमसीक्यूज, तो इसका मतलब है रिफ्रेक्टिव एरर है। अगर कोई नो इम्प्रूवमेंट इट मीन्स एम्ब्लायोपिया। अगर डिक्रीज हो जाता है विजन, इसका मतलब मैक्यूला पे पैथोलॉजी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर रेटिना। इसके बाद एक फिनोमेना है क्राउडिंग फिनोमेना, इन पे ये सिंगल लेटर्स को वर्ड्स को बेटर देख सकते हैं एज कंपेयर टू मल्टीपल, बिकॉज ब्रेन इज ऑलरेडी लेजी। अगर आप उनको ये चैनल चार्ट दिखाते हो, इनका स्पेशल होगा, इनको सिर्फ एक वर्ड वाला या फिर ऐसे वर्ड के साथ लाइनें मार्क कर दी जाती हैं ताकि बच्चा एक ही पे फोकस करे। इनका ब्रेन इग्नोर करने लग गया चीजों को, सिर्फ एक पे फोकस कराओगे तो दे विल बी एबल टू रीड। अगर आप इनको दे दोगे तो ये देखा है क्राउनिक फिनोमेना में उसको कैसे मिक्स करके दिया है, दिस दिस इज हाउ द चाइल्ड विल फील इफ यू गिव देम, ब्रेन इज टू लेजी एंड रिफ्यूजेस टू फोकस। तो एक सिर्फ इमेज, एक लेटर पे उनको फोकस कराओगे देन चाइल्ड विल बी एबल टू सी, अदरवाइज अगर आप उसको पूरा सैनल चार्ट पे पूरी लाइन रीड करने दोगे वो नहीं कर सकेगा, इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट चाइल्ड। अब ट्रीटमेंट है आपने रिमूवल ऑफ द कॉज, फाइंड करनी है कॉज। सपोज द चाइल्ड हैज कंजेनिटल कैटरेक्ट, ठीक है, उस कॉज को फाइंड करना है, इसको ट्रीट करना है, कैटरेक्ट को रिमूव करना है, प्रोसेस को रिमूव करना है, उसको इंट है तो देखना है कि उसकी सर्जरी करनी है या फिर उसका क्या करना है, रिफ्रेक्टिव एरर है तो उसको ट्रीट करना है, करेक्ट द रिफ्रेक्टिव एरर। उसके बाद ऑक्लूड कर देना, पैच कर देना है उस आई को, ठीक है। जो स्कूल को एक चाइल्ड होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है बच्चों को पैच करना, क्योंकि सोशली अगर आप एक बच्चे की सबके सामने आई पैच करोगे तो सोशल स्टिग्मा होता है कि क्यों इसको लगाया हुआ है, बच्चे पूछते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सोशल स्टिग्मा होता है। लेकिन इफ दे आस्क यू व्हाट इज द बेस्ट थेरेपी फॉर एम्ब्लायोपिया, उसका आंसर है ऑक्लूजन, मोस्ट इफेक्टिव है। और ऑक्लूजन कितनी करनी है, अब हम जज करेंगे कि उसका कितना है, माइल्ड, मॉडरेट या डेंस एम्ब्लायोपिया। डेंस में 6 घंटे करते हो और बाकी माइल्ड मॉडरेट में 4-4 घंटे करते हो, यानी उस बच्चे की जो अच्छी वाली आंख होगी ना, जो ब्रेन जिसको अच्छा समझता है, उसको आप लगा दोगे पैच और ब्रेन को फोर्स करोगे कि उसी लेजी आई से देखो, ब्रेन को हम फोर्स करवाएंगे, दिन में 6 घंटे, दिन में 4 घंटे फोर्स कराएंगे और फिर फॉलोअप करके देखेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन इसका सोशल स्टिग्मा है, तो चाइल्ड इज स्कूल गोइंग, तो बच्चे पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक और हमारे पास तरीका है, हम क्या करते हैं एट्रोपीन डाल देते हैं उसकी गुड आई में, जो नॉर्मल आई है जो उसको जो ब्रेन पसंद करता है उसको एट्रोपीन डाल देते हैं, तो उसका सिर्फ स्पैजम हो जाएगा, तो विल बी अनएबल टू सी ना, ब्लर हो जाएगा उसका इमेज उधर से, तो फिर वो जो हमारी खराब आई होगी, लेजी आई होगी, उसी से देखने लग जाएगा, क्योंकि एट्रोपीन डाल देंगे उसमें।